और बात करेंगे जसपुर की, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों से शुरू हो जाता है, जिसके चलते त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाती है। इसी क्रम में जसपुर क्षेत्र के शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा मावा, बतीसा, रसगुल्ले और बर्फी के सैंपल लिए गए, जो कि उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ की ओर से लाया जा रहा था। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश फुलारा ने कहा कि त्यौहार को देखते हुए सुबह से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सभी वाहनों को चेक किया गया। उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन में मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनमें को देखते हुए यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, सारे वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ भी मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं, और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल ना होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप ना ले जाएँ और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी त्योहारी सीजन में, क्योंकि जो डिमांड जब बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं।